नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने फिर दोबारा लेकर अपना एक नया वीडियो। और दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाया है गौर यमुना सिटी के स्टूडियो अपार्टमेंट्स के ऊपर, जिनका नाम है रनवे सूट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गौर यमुना सिटी एक बहुत ही शानदार टाउनशिप है, जिसके अंदर विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल हैं, अंदर स्कूल है, शॉप्स, सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और एक शानदार लेक है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका सबसे खास आकर्षण है। बिल्कुल अंदर आके ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत ही शानदार जगह आ गए हैं। इस लेक के अंदर काफ़ी ग्रीनरी है, डक्स हैं, पानी है, बोटिंग है, सभी कुछ है इसके अंदर। तो आज हम जो आपको बता रहे हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, और आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर भी हम दिखाएंगे कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट कहाँ लोकेटेड है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये जो हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट हैं, ये बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के ऊपर सिचुएटेड हैं। रनवे सूट्स के नाम से ये फेमस हैं। टोटल इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट के 12 फ्लोर हैं। आइए आपको अब एक स्टूडियो की, जो सैम्पल स्टूडियो है, उसकी विजिट कराते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी आपसे शेयर करता रहूँगा इस स्टूडियो के अंदर। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं हॉट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे पुराने भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिनको आप हमारे चैनल के पेज पर क्लिक करके देख सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, स्टूडियो अपार्टमेंट को हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिविंग रूम का एरिया है, इसके बारे में बताते हैं आपको थोड़ा सा। तो ये इसमें जो चीज़ें रखी हुई हैं वो तो आप एसेसरीज इसका पार्ट नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो इसका पार्ट हैं। तो ये जो हमारा लिविंग रूम, छोटा सा लिविंग रूम का साइज़ दिया गया है, ये लगभग 10x8 स्क्वायर फीट का साइज़ है। और इसमें जो अभी हमने आपको दिखाया था बेडरूम, वो 10x10 का बेडरूम है। स्टूडियो के दो टाइप हैं इसमें, एक के अंदर दो बेडरूम हैं स्टूडियो के अंदर, और ये सिंगल बेडरूम वाला स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टूडियो काफ़ी अच्छा है, वो भी खासकर अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। जैसा कि हमेशा लोगों को एक स्टे, टेम्परेरी स्टे की ज़रूरत होती है एयरपोर्ट के आसपास, तो एक्सपेक्टेड है कि जब ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो इसका रेंटल काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस द इंडिया जितने भी एयरपोर्ट हैं उसके आसपास जितने भी अकोमोडेशंस हैं उनका रेंटल बहुत हाई होता है। कुछ लोग वहाँ पे 7 दिन रुकते हैं, कुछ 10 दिन, कुछ महीना, और एयरपोर्ट के साथ बहुत सारी कंपनीज एसोसिएटेड होती हैं उनके ऑपरेशंस के अंदर। तो दोस्तों, उसमें भी जो हमारे जो एयरपोर्ट की जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें इतने सारे जो मैन पावर है वो एसोसिएटेड होती है, तो उनको अकोमोडेशन के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो उसके हिसाब से जो आसपास की अकोमोडेशन है दोस्तों, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी 15-16 लाख से स्टार्ट होती है, और आप क्वेरी करके इसके प्राइस ले सकते हैं क्या प्राइस है। और इसके अंदर जो हम आपको दिखा रहे हैं अलमीरा वगैरह, ये सब फुली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो इसमें आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या मिलेगा। इसमें साइड में स्पेस, लगेज का स्पेस दिया गया है, साइड में अलमीरा दिया गया है। तो वॉशरूम भी हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक 5-स्टार होटल का ये कमरा हो। तो सारी टाइप की एक आदमी या एक बैचलर, एक सिंगल इंडिविजुअल के रहने के लिए ये बहुत ही शानदार, टेम्परेरी स्टे के लिए, इवन लॉन्ग टर्म स्टे के लिए बहुत ही शानदार अपार्टमेंट है। तो दोस्तों, इसका जो टोटल एरिया है उसकी बात करते हैं। 460 स्क्वायर फिट जो ये दिखाया जा रहा है इसका एरिया है,
और इसका जो कवर्ड एरिया है वो लगभग 348 स्क्वायर फीट का है, और जो कारपेट एरिया है वो 290 स्क्वायर फीट का है दोस्तों। तो एसी वगैरह इसमें लगा के देते हैं, स्टूडियो फुली फर्निश्ड है, पर्दा जो देख रहे हैं आपको ये भी लगा के मिलता है, तो ये सारी चीज़ें लगी लगाई मिलती हैं, ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसके अंदर होता है। बाकी स्पेसिफिकेशन के लिए जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो मेरी इन्फॉर्मेशन की जानकारी है, मैं कोई ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, इसका जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, प्राइजिंग वगैरह आप ले लें। तो मुझे इतना पता है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और सेल हो रहे हैं, अभी हम अक्टूबर 2020 में हैं, अगर इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है सारी तो देन इसके प्राइस अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। तो अब मैंने इसके बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करी, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उसकी जानकारी एकत्रित करता हूँ, जैसा आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में। तो जो मैंने डिफरेंस देखा, बाकी सारे भी स्टूडियोज़ आए हुए हैं, और इस स्टूडियो के अंदर और बाकी सब के अंदर क्या डिफरेंस है, तो मैं कुछ डिफरेंस आपके सामने बता देता हूँ। इसमें जो डिज़ाइन किया गया है, स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन किया गया, वो ऐसा किया गया है कि सारे ही स्टूडियो एक पीएलसी फेसिंग बेस्ड है, कोई यमुना एक्सप्रेस वे बेस्ड फेसिंग है, कोई थीम पार्क बेस्ड फेसिंग है, तो सारे ही स्टूडियो इस तरह हैं कि कहीं ना कहीं उनकी फेसिंग बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही बढ़िया जगह पे खुलती है, वहाँ से व्यू आपको बहुत अच्छा मिलता है, वो फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस दोस्तों मैंने जो इसमें देखा है वो ये देखा है कि जितने भी स्टूडियो के टावर्स नोएडा ग्रेटर नोएडा में हमने देखे हैं, उनके अंदर पूरी सोसाइटी का कॉमन क्लब होता है, कॉमन जिम होता है, या बाकी सारे टावर्स के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं, तो उनको चैलेंज भी आते हैं बाकी सारे स्टूडियोज़ में कि वो यूज़ नहीं कर पाते, या ऐसा कि वहाँ पे उनका सेपरेट नहीं है। तो ये वाला जो टावर है मेरे हिसाब से काफ़ी लग्जीरियस होने वाला है, क्योंकि इसमें ऊपर जो 13th फ्लोर है इनका, जिसको इन्होंने 12A करके नाम दिया है, तो 12A पर इन्होंने डेडिकेटेड फ्लोर रखा है, जो कॉमन एरिया बनाया गया है, जिसमें इन्फिनिटी पूल है, आपका पार्टी टेरेस है, आप पार्टी कर सकते हैं उसके अंदर, पार्टी हॉल है उसके अंदर, जिम भी है उसके अंदर, और एक डेडिकेटेड रेस्टोरेंट है, अगर आपको भूख लग रही है तो आप या स्नैक्स वगैरह के लिए आप उस रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हैं, लाइब्रेरी दी हुई है उसके अंदर, और टेबल टेनिस है, स्पा है, बिलियर्ड्स है, और कॉमन सिटिंग एरिया भी है वहाँ पे आपके बैठने के लिए। तो दोस्तों ये हम वॉशरूम दिखा रहे हैं आपको इसका, और इसकी लंबाई काफ़ी है, 10x8 फिट का वॉशरूम है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा था, नई नई जानकारी दे रहा था स्टूडियो अपार्टमेंट के बराबर में, और ये स्टूडियो अपार्टमेंट बिल्कुल आपके सर्विस रोड से, गौरी यमुना सिटी के सर्विस रोड से टच करता है, बिल्कुल किनारे पे है, इसके बिल्कुल बराबर में एक एंट्रेंस गेट सेपरेटली भी दिया गया है। तो और जो इसकी क्वालिटी है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का आपको डाउट नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑब्वियसली जो पुराने प्रोजेक्ट में है और अभी भी है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए हमने वीडियो में आपको अभी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन का व्यू भी दिखाया है, उसको भी कैप्चर किया है, तो वो भी देखिएगा दोस्तों। अभी आगे हमने कंस्ट्रक्शन की भी, जो इसमें स्टूडियो टावर बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन का भी हमने वीडियो कैप्चर किया हुआ है। अब हम आपको इसमें बालकनी का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो बालकनी है, ये बालकनी का जो व्यू है दोस्तों, इसमें हमारा जो लेंथ है ये आपकी लगभग 1.5 मीटर की चौड़ाई है इस बालकनी की, ये जो आप देख रहे हैं, और काफ़ी ओपन स्पेस है स्टूडियो में, मतलब इतनी बड़ी बालकनी होना तो एक बहुत अच्छी बात है, जहाँ आराम से आप आपका अपना एक बरामदा टाइप है, आप टी टेबल लगा सकते हैं, आप चेयर लगा सकते हैं, और अपना आराम से टी कॉफ़ी का मॉर्निंग में सनलाइट है या व्यू का आप मजा ले सकते हैं, एक जो सुकून आपको चाहिए वो एक्चुअली आप आराम से पैर फैला के कुर्सी पे बैठ के टेबल पे वो आप यहाँ पे अपनी बालकनी में आनंद ले सकते हैं। आप अपने टेम्परेरी स्टे के लिए भी स्टूडियो को चूज़ कर सकते हैं, आप स्टूडियो रख सकते हैं, कभी आपका मन करा गौरी यमुना सिटी में आने के लिए तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। इसका हम एक आर्टिस्टिक व्यू भी आपको दिखा रहे हैं इसमें कि कैसे ये प्लान किया गया है, ध्यान रहे कि ये एक आर्टिस्टिक व्यू है जो हम आपको दिखाएंगे,
इसमें हमने दिखाया किस टाइप से टावर की प्लान किया गया है, क्या कल्पना है डिज़ाइनर की, कैसे वो चाहते हैं, एक्चुअल कुछ और हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रनवे सूट्स हैं, नीचे शॉप्स का एरिया है और ऊपर जो रनवे सूट्स हैं, सामने से कुछ ये इस तरह का दिखना चाहिए। पीछे आर्टिस्टिक व्यू है, तो जहाज उड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। ये हमने वीडियो दोस्तों एक्चुअल साइट पे कंस्ट्रक्शन का वीडियो कवर किया है, इससे आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। आप वहाँ खुद नहीं आ सकते, लेकिन आपके बिहाफ पे हम आपको ये वर्चुअल टूर के द्वारा आपको ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहद अच्छी, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, गौर यमुना सिटी एक बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है आज की डेट में। एयरपोर्ट का एग्रीमेंट भी हो गया है और 3.5 साल में ज्यूरिख को इसको कंप्लीट करना है। साथ में फिल्म सिटी का भी लॉन्च हो गया है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लास्ट फ्यू डेज़ में सेल हुई हैं। तो एक हॉट डेस्टिनेशन है और ये जो टाउनशिप अपने आप में पूरी तरह सिक्योर हैं, गार्ड हैं, आपको यहाँ पे सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है इन गार्ड्स के ऊपर है। आप बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ हैं, सारी गाड़ियाँ आते जाते चेक होती हैं, जगह जगह आप साफ सफाई करने वालों को देख सकते हैं, प्रॉपरली मेंटेन की हुई है, सुंदरता का बहुत ध्यान रखा गया है। आप गौर टाउनशिप में भी घूमते हैं तो आपको मनमोहक दृश्य नज़र आते हैं। रात में ये पार्क की जो इसका व्यू होता है वो कुछ और ही होता है, लाइटें, लैंप्स जो इसमें स्ट्रीट लैंप्स हैं, जगमग जगमग चारों तरफ होती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो स्टूडियो अपार्टमेंट के ऊपर, रनवे सूट्स के ऊपर। तो जानकारी के लिए और अगर आपको बुकिंग्स करनी है तो नंबर पर जरूर कॉल करें, क्वेरी करें। तो इसी के साथ ही हमें आज के वीडियो में आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।